छत्तीसगढ़ के सीएलपी और कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने कहा कि मुझे विपक्ष के नेता के रूप में मौका देने के लिए मैं पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मुद्दे के लिए लड़ेंगे। 2024 में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या करने लगे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे पहले मैं अपने हाई कमान के जितने भी नेता भी हैं, सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी की बाइक काट लीजिए, हमारी सहजा जी को, माकन जी को बधाई देना चाहता हूं। और यहां भाई हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को चुना गया है। हम सब मिलकर काम करेंगे और आम जनता की लड़ाई वो सदन में लड़ेंगे। सड़क से सदन तक हम आम आदमी के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, यहाँ के पूरे छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ हैं। पूरे कार्यकाल जब तक सदन चलेगा आपको ऐसा नहीं रहेगा कि विपक्ष कहीं कमजोर है। हम दोनों हमारे साथियों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कड़ाई के साथ लड़ेंगे। सिर्फ 3 दिन का है, थोड़ा आईडी नहीं, पता नहीं अभी इनके मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी शंका है खुद लोगों को। ये तो सत्र ऐसे ही जाएगा शपथ में ही। डॉक्टर रमन सिंह जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, प्रस्तावा को समर्थक के रूप में हम लोगों ने उनको साथ दिया है। और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष सुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। 2024 कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से भी 2024 कितनी चुनौती है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। ये नक्सली हमला फिर बढ़ रहा है, आज एक जवान और शहीद हुआ है, लगातार सप्ताह भर में 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, इनकी सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या।